अनुग्रह में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अनुग्रह में नहीं चलेंगे तो निस्संदेह हम व्यवस्था में जाकर अपने देह से काम करने वाले हो जाएंगे। इसके लिए आप पढ़ना चाहें तो गलतियों 5 का 1 से 5 पढ़ना, या उद्धार को भी खोते हैं मगर अनुग्रह से अर्थात यीशु मसीह के फायदों से गिर जाते हैं। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, यहाँ पे पढ़े कुलुसियों 2:6, बिना पढ़ सकते तो पढ़ दे, कुलुसियों 2:6 क्या कहता है पौलुस यहाँ पे बता रहा है, कुलुसियों 2:6 जिसको भी मिल गया पढ़ ले, कुलुसियों 2:6 जी कहता है जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण करा? अनुग्रह और विश्वास, उद्धार हुआ। हाँ वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही जैसे आपने उसे ग्रहण करा अनुग्रह और विश्वास वैसे ही चलते रहो। तो नई वाचा में नए वचन में आकर जब हम बोलते हैं जब यीशु मसीह के आने क्रूस पे किए गए कार्य के बाद सब चीज हमको कैसे मिल रही है? अनुग्रह और विश्वास। तो जैसे यीशु मसीह को हमने ग्रहण करा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए क्या करा? मसीह वचन के अनुसार जब हमने यीशु मसीह को प्रभु जान के उसका मुंह से अंगीकार करा, वो मन में विश्वास किया कि वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हमने तो क्या हुआ? वचन के अनुसार कुछ अंगीकार कर, तो चीजें क्या होने लगती है जब हम अंगीकार। तो अनुग्रह और विश्वास क्या है? अनुग्रह की हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर कर चुका है यीशु मसीह के द्वारा। विश्वास क्या है? उस चीजों को अंगीकार करना। तो कब करोगे? जब उस वचन को जानोगे तब हम अंगीकार करेंगे। तब विश्वास से जब अंगीकार करते हैं तो क्या होता है? आत्मिक जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है, चीजें बदलने लगती है, और इस विश्वास से परमेश्वर बड़ा खुश होता है। देखा ना जब इब्रानी 11:6 में परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है विश्वास के बिना। विश्वास क्या है? अनुग्रह को समझना कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया। विश्वास है जो चीज कर दिया उसको विश्वास से बोलकर अपने लिए अंगीकार करके हासिल करना। तो उसे बोला अनुग्रह में चलना, अधिकार का इस्तेमाल करना। बताया जैसे अधिकार क्या है, Luke 10:19 जैसे आपने भाई ने बताया कि हम सांपों और बिच्छुओं को रोंदेंगे और शैतान की सारी ताकत के विरुद्ध खड़े होंगे और हमारा वो कुछ नाश नहीं कर सकता। वो अधिकार इस्तेमाल करना, अगर आप वो बोलोगे नहीं तो क्या होगा? अधिकार इस्तेमाल नहीं करना। आप चेक पे साइन करके चेक दोगे नहीं तो अधिकार इस्तेमाल नहीं कर, ठीक है ना? आप मेरे को अगर कोई चीज बोलोगे नहीं तो आप अपना अधिकार इस्तेमाल, आप नहीं बताओ तो मैं क्या समझाऊंगा? कुछ नहीं समझा। तो बोलना एक बहुत बड़ा विषय, अधिकार इस्तेमाल करना। जब Matthew 10:8 में लिख रखा है जैसा तुमने मुफ्त में पाया तो जाकर लोगों को चंगा करो, मुर्दों को उठाओ, हाथ रख के दुष्ट आत्मा निकालो, सेंत मेंत में मिला है तुम्हें तो सेंत मेंत में दो। जो चीज मुफ्त में मिली है आपको तो मुफ्त में देने वाले हो, जाओ उसको कमाने के लिए सोचोगे तो नहीं करेगा वो काम, ठीक है ना? कई बार करते हैं मसीह लोग, हाँ 100 रुपए दोगे तो चंगे हो जाओ, गलत है, क्योंकि बाइबल के अनुसार नहीं है। सेंत मेंत में मुफ्त में मिला है मुफ्त में ही दे सकते हो, ये बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का अधिकार करो, और फिर है प्रार्थना। अधिकार का इस्तेमाल करने का 2 तरीका है। जब इफिसियों में पढ़ते हैं आत्मिक लड़ाई के बारे में तो वहां पढ़ते हैं, पढ़े Ephesians 6 इसको पढ़ के हम शायद आज की इस सभा को खत्म कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपके सवाल हो तो 6:10 शुरू करें। इस पेज नंबर 269 इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो पहली सबक क्या है? इसके लिए प्रभु में और उसके अर्थात उद्धार पाओ
और उसकी आत्मा को पाओ और उसकी शक्ति में बलवंत। फिर परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। जब आप उद्धार पाओगे तो फिर क्या है, ये सारे हथियार बांध सकते हो। क्या है पहली चीज, पहला हथियार कि तुम युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति अर्थात वो खाली आपको आकर झूठ बोलता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। आपकी परीक्षा खाली है झूठ बोल, तू बीमार हो जाएगा। फिर आप करते हो सारी चीज, अरे और दर्द हो रहा है, फिर पेपर पढ़ते हो आज कल तू चल रहा है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से। आप वही चीज बोली कि हमारी लड़ाई इस बुद्धि इस समझ से नहीं है। फिर लहू और मांस नहीं है परंतु प्रधानता और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। क्या लिखा है, वो शेर की नाई पीछे पड़ा। तो कौन है, शैतान से लड़ाई है हमारी। हम क्या करते रहते हैं, आधे से ज्यादा टाइम लोगों से लड़ते रहते हैं। लोगों से लड़ने की जरूरत ही नहीं है, लोगों से प्रेम करने के लिए बोला करना चाहिए, ठीक है ना। शैतान से लड़ना है आगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब हथियार बता रहा है कि बांध लो क्या, कि तुम बुरे दिनों दिन में सामना कर सको। बुरे दिनों में नहीं है, बस जल्दी जल्दी में पढ़ते लोग बुरे दिनों, बुरे दिन में दिन नहीं आता, एक ही दिन ही आता है वो, उसी को लेकर फिर दिनों को बना देते हो। क्योंकि आपने हथियार नहीं पहन रखे, आपने उद्धार नहीं पा रखा, आपने चीजें नहीं कर रखी। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, गिर सको, फिर रखो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर। सत्य कौन है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन है। यीशु मसीह के सत्य अर्थात इस वचन से बंधे हुए रहना, बेल्ट बांध दो। आगे इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर। धार्मिकता कौन है, यीशु मसीह मेरे लिए धार्मिकता बना। तो यीशु मसीह को अपनी धार्मिकता के रूप में विश्वास से लेना है। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार कि वो मेरे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये भी यीशु मसीह है। आगे और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम। तो विश्वास क्या लिख रखा है इब्रानियों 11:2 में, यीशु को ताकते रहो जो कि मेरे विश्वास का जनने वाला और सिद्ध करने वाला है। तो वो भी कौन है, यीशु मसीह। आगे दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप। उद्धार कौन है, यीशु मसीह। उद्धार का टोप कहाँ है, यहाँ पे ये बुद्धि में हमेशा क्या घुसा हुआ रहना चाहिए कि मेरा उद्धार मेरे बल से नहीं, मेरी सामर्थ्य से नहीं, मेरी धार्मिकता से नहीं, परंतु यीशु मसीह ने जो किया उसके कारण मेरे को उद्धार मिल रहा है। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, यीशु मसीह आपका विश्वास है, यीशु मसीह आपकी टोप है, यीशु मसीह आपका झीलम है और तो, आत्मा की तलवार। अब फिर बोलता है वो, ये अभी तक जो बताया वो सारी चीजें क्या थी, आपको सुरक्षा देने की। तो यीशु मसीह जो है एक तरह से आपको सुरक्षा देने के लिए सब कुछ पहनाता है, पर इसमें पीछे कोई चीज पहनने के लिए नहीं बोला, सब चीज सामने पहनने के लिए बोला है। टोप पहनने के लिए बोला है, झीलम पहनने के लिए बोला है और बेल्ट पहन। क्यों सोचा कभी आपने, क्योंकि हमारी लड़ाई अभी लड़ने के लिए नहीं, हम जीते हुए इसके लिए लड़ रहे हैं। तो इसके लिए पीछे से तो कुछ कर ही नहीं सकता, आगे से भी कुछ नहीं कर सकता वो, अगर खाली हम उसके समझ आ जाए कि हम यीशु मसीह में कौन, तलवार कैसे मारे। अब फिर बोल रहा है वार करने वाला, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आज हम इसके लिए नहीं पढ़ते हैं कि इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा, जो अक्सर लोग बात करते हैं कि आज वचन नहीं पढ़ा तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप मैं आज से अगर हमेशा के लिए भी वचन नहीं पढ़ूं तब भी परमेश्वर नाराज नहीं होगा मेरे से। मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ूंगा तो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, किसके विरुद्ध, शैतान के। आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए वचन को पढ़ना है, आज इस वचन को इसके लिए पढ़ना है कि मैं समझ सकूं कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है और क्या क्या कर चुका है मेरे लिए, ताकि मैं परमेश्वर से
भरपूर रहूं, तब जाकर इस आत्मिक लड़ाई को लड़ सकता। तो दो चीज को करने के लिए हमको इस वचन को करना है। आगे हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती, और छठी चीज है जो रूपागी जानते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना। तो आत्मा में प्रार्थना कब करते हैं? जब इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा तुझे बोलता हूं निकल। क्यों? क्योंकि 10:8 में लिखा था मुझे अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माएं। प्रार्थना कब होती है सफल? जब इस वचन के, तो उसको अभी हाल ही में जब हम बता रहे थे बराका मिनिस्ट्री में, जब बाबा जी ने बड़ा अच्छा समझाया, अगर आपके पास बुलेट है और बंदूक नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो वचन तो है और प्रार्थना नहीं है तो कोई फायदा नहीं, समझ में। मिसाइल है मगर उसको तोप नहीं है, उसको गाड़े तो कोई फायदा नहीं है। गोला नहीं है और मिसाइल नहीं है तो गोला चलाना बेकार। ये चीज है कि हमारे को अब क्या करना है, वचन भी आना चाहिए और उसको प्रार्थना के द्वारा इस्तेमाल करना आना चाहिए, तब जाकर हम एक जैवन अधिकार प्राप्त किए हुए आत्मा से भरे हुए क्या हो जाएंगे, तोप से भी बढ़कर हो जाएंगे, मिसाइल से भी बढ़कर हो जाएंगे। मगर कार में सबसे बढ़िया कार ले आओ, पेट्रोल नहीं है तो नहीं चलने वाली। ऐसी आप कितना ही बाहर से बहुत अच्छे से सब कुछ जान जाओ पर आत्मा नहीं है तो बेकार हो परमेश्वर के लिए। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। आप कोई सवाल आपके हो तो मैं उसको उत्तर देने के लिए तैयार हूं, नहीं तो आज की सभा शायद समय हो गया है, बंद कर सकते हैं।